नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो आपको एक खबर दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है डोडा के अंदर। लोगों के घरों में पानी जो है कुछ ही घंटे के लिए आता है, लेकिन सरकारी बाबू के दफ्तर या फिर सरकारी बाबू के रेजिडेंट जहां पर वो रहते हैं, किस तरह से मिसयूज़ करते हैं ये पानी का। तस्वीरें देख सकते हैं, एक पाइपलाइन जो है यहाँ से बाहर के लिए निकाली गई है और ये जो है पानी पूरा सड़कों पे चलता रहता है। लगातार लोग जो है हमारे पास शिकायत भी करते हैं और मुझे लगा था कि शायद ये पानी ऐसे ही निकलता होगा, लेकिन यहाँ ऊपर जो इनका टैंक है, इसी टैंक से होकर ये पानी नीचे की तरफ आता है। तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक से एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा जहाँ पर ये पानी लगातार चलता रहता है। अभी शाम के 5:30-6 बज रहे हैं और लगातार पानी टैंक से निकलता हुआ पूरे बाज़ार से घूमता हुआ निकल रहा है नीचे के लिए। यानी ये पानी जो है किस तरह से सरकारी बाबू के दफ्तर क्वार्टर से जो है बाहर की ओर निकल रहा है। यहाँ से लगातार क्वार्टर हैं, लेकिन इसी क्वार्टर से जो है एक पाइप भी सेटल की गई है कि इस पानी को जो है बाहर निकाला जा सके। पहले ये पानी ऊपर से इस साइड आता था, अब जो है इसको पाइप देखिए किस तरह से फिट करवाई गई है। हैरानी, यानी खुद जानबूझ करके इसको स्टिप किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से स्टील के कील वगैरह लगाए गए हैं। काफ़ी हैरान करने वाली ये चीज़ें हैं कि आखिर सरकारी बाबू जो है कितनी तानाशाही है इन लोगों की। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये रोड का टैक्स हम लोगों ने भरा होता है, हम लोग इसका टैक्स पेड करके रोडें बनवाते हैं और तब जाकर रोडें बनती हैं, और यही पानी अगर इस रोड या फुटपाथ पे चलता हो, ये फुटपाथ के ऊपर देख सकते हैं किस तरह से ये तार बिछी हुई है जहां पर लोगों को चलना चाहिए, लेकिन चलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अपनी तानाशाही और गुंडागर्दी के कारण जो है देख सकते हैं किस तरह से ये पानी जो है सड़कों पर चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, लोगों के घरों में पानी पीने के लिए नहीं है, लोग तड़पते हैं, लोगों को लगभग 2 या 3 घंटे पानी आता है या सुबह 1 घंटे पानी आता है, लेकिन इनके क्वार्टर से किस तरह से पानी निकलता है ये हैरान करने वाली ये चीज़ें। तस्वीरें देख सकते हैं सड़क से पानी किस तरह से नीचे की तरफ बहता है, ये काफ़ी हैरान करने वाली चीज़ है कि आखिर पाइपलाइन को जो है बाहर की तरफ क्यों लगाया गया है। ये सब सवाल यहाँ की जनता जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन से पूछती है कि अगर आप लोगों को यहाँ पर रखा गया है लोगों के हित के लिए, तो फिर मिसयूज़ किस तरह से आप लोग कर रहे हैं। अब जाकर ये पानी किस तरह से बंद हो रहा है, लेकिन लगातार ये पानी जो है इसी तरह इसी सड़कों पे बहता रहता है। काफ़ी लंबा ये जगह है जहाँ पर तहसीलदार का ऑफिस भी है और साथ में बिल्कुल क्लॉक टावर है और साथ में DC रेजिडेंट्स या SSP रेजिडेंट्स भी जो है यहीं पे। ये पानी जो है बिल्कुल इन क्वार्टरों के साथ में, बिल्कुल फुटपाथ के साथ में सड़कों से बहता हुआ किस तरह नीचे की ओर जाता है। एक और जगह आपको दिखाऊंगा जहां पर ये पानी रुकता है, यहां पर किस तरह से एक तालाब सा बन चुका है। पानी अभी भी देख सकते हैं इस फुटपाथ के ऊपर से किस तरह से चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी सी समझदारी इन लोगों को खुद भी होनी चाहिए कि हमें इस तरह से पानी जो है किसी बंद कर देना चाहिए, या तो उसका नल बंद कर दीजिए ताकि पानी बचा रहे। एक तरफ से आप बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी तरह पानी सड़कों पे बहता रहा तो काफ़ी हैरान करने वाली चीज़ें। ये चीज़ मैं गवर्नर के लिए भी यहाँ से लिख के भेजूंगा ट्वीट कर और इसकी फ़ोटो लेकर भी भेज दूंगा कि आखिर किस तरह से इन्होंने रोड के अंदर इस तरह से पानी ये डाला है और किस तरह से इसका मिसयूज़ जो है कर रहे हैं, अपने क्वार्टरों से बाहर ये पानी निकल रहा है। अपनी राय ज़रूर रखिए, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि लोगों के घरों के लिए पानी कनेक्शन जो है बिल पेड करने पड़ते हैं, लेकिन इन लोगों को मुफ्त का पानी मिलता है, यही पानी का किस तरह से ये लोग मिसयूज़ करते हैं। किसका ये क्वार्टर है ये देखना चाहिए और इस तरह से सड़कों पे पानी जो है नहीं खुला छोड़ना चाहिए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास टोडा।